इंतखाबी इजलासों और रैलियों के लिए पेशगी इजाज़त लेनी चाहिए। हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर रोनाल्ड रोज की सियासी जमातों के नुमाइंदों के साथ मीटिंग। कांग्रेस पार्टी से बीआरएस में शामिल होने का सिलसिला जारी। साबिक वजीर नागम जनार्दन रेड्डी, साबिक एमएलए विष्णुवर्धन रेड्डी, करीमनगर कांग्रेस लीडर जयपाल रेड्डी और दीगर केसीआर की मौजूदगी में हुए बीआरएस में शामिल। इंतखाबी मुहिम के दौरान हमले में जख्मी बीआरएस उम्मीदवार कोटा प्रभाकर रेड्डी की हालत अब मुस्तहकम। ऑपरेशन के जरिए छोटी आंत को निकाल दिया गया। माहिर डॉक्टर्स की निगरानी में क्रिटिकल केयर यूनिट में जेरे इलाज। दुबाक हलके से बीआरएस उम्मीदवार कोटा प्रभाकर रेड्डी के हमलावर को लेकर बयानबाजी। टीपीसीसी रेवंत रेड्डी ने कहा हमलावर का ताल्लुक बीजेपी से। बीजेपी एमएलए रघुनंदन राव ने बताया इससे बीजेपी का कोई लेना देना नहीं। मारूफ आलिमेदीन मौलाना पीएम मुजम्मिल रशादी सड़क हादसे के बाद ओलिव हॉस्पिटल में जेरे इलाज। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने अस्पताल पहुंचकर की अयादत।